हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंटीग्रेशन के अंदर, कौन सा है? चेंजिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, या तो कह दीजिए चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको पहले क्या दिया है, dx dy दिया है ना, तो अब आपको क्या करना है, dy dx करना है। या तो अगर लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ पर x की लिमिट पहले दी हुई है इन टर्म्स ऑफ y, तो अब आपको ये जो x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y दी गई है, इसे आपको इन टर्म्स ऑफ x बनाना है और y की लिमिट बनाना है, ठीक है? तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि ये जो तरीके से एग्जांपल आ रहा है इसमें करना क्या। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो गिवन लिमिट होती है उसे इवेल्युएट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो हमें उस सूरत में, उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, उस सिचुएशन में हमें लिमिट जो है वो चेंज करनी पड़ती है। और अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो ऑर्डर भी चेंज हो ही जाएगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए ये जो एग्जाम्पल आ रहा है इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पर कहाँ डिफिकल्ट है कहाँ नहीं डिफिकल्ट है। GDU में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो वो क्वेश्चन में ही लिख कर देगा कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको समझ जा रहा है कि यहाँ पर मुझे ये जो इवेल्युएशन, ये इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर दिया हुआ है इसे चेंज करना है, यानी कि मुझे लिमिट चेंज करनी है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये हम समझेंगे कैसे? ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास होगा डायग्राम। ये जो लिमिट्स दी है ना, इसे हम डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। वो डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद हम आसानी से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करेंगे तो लिमिट भी कैसे चेंज होगी वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट क्या है कि अगर आपको y की जो लिमिट है, यानी यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिमिट इन टर्म्स ऑफ y दी गई, x की जो लिमिट है वो इन टर्म्स ऑफ y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y जो इन टर्म्स ऑफ y है उसे इन टर्म्स ऑफ x करना पड़ेगा। अगर y से x करना पड़ेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आसानी से आप ये जो एग्जांपल है इसे आसानी से इवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको y को x में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर y है, ठीक है, इसे x में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप। लेकिन कुछ एग्जाम्पल में आपको लिमिट दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x लिमिट दी जाएगी। तो अब हमें इन टर्म्स ऑफ x दी गई है तो इसे चेंज करना पड़ेगा, किसके अंदर, y के अंदर। तो अगर आपको x से लेकर y में जाना है, ठीक है, तो आपको लेनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। y से x में जाना है तो वर्टिकल स्ट्रिप, x से y में जाना है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 0 से लेकर a तक लिमिट है y की, x की जो लिमिट है वो y से लेकर a तक है, और यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x y है, इसे कैसे इवेल्यूएट करना है, बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके हमें ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिट दी गई है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 0 से लेकर a तक है ये किसके लिए है, y के लिए है, तो 0 less than or equal to y less than or equal to a। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ निकल कर आ जाएगी सामने, कौन सी दो चीज़, y is equal to 0 and y is equal to a, ठीक है, इतना पता चल गया। ये दो चीज़ हमें, यानी कि दो लाइन है एक तरीके से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाद में डायग्राम के फॉर्मेट में। और है हमारे पास y से लेकर a तक, ये कहाँ, x के रिस्पेक्ट में है, तो y less than or equal to x less than or equal to क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इससे क्या निकल कर सामने आ जाएगा, इससे ये बात पता चलेगी कि y is equal to x ये वाली एक लाइन होगी और x is equal to a ये लाइन। तो टोटल ये जो लिमिट दी गई है इससे हमें चार लाइन मिल सकती है, चार लाइन। और ये चारों लाइनों को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के फॉर्मेट में तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है। अगर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले है मेरे पास y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस बात है कि पूरी की पूरी x एक्सिस पर y इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये जो लाइन है x एक्सिस वाली ये हमारे रीजन का हिस्सा होगी। दूसरी है हमारे पास y इज इक्वल टू a वाली लाइन, तो y इज इक्वल टू ए वाली लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए।
वाई इज इक्वल टू ए वाली लाइन, अभी तक हमने ये दोनों को यूटिलाइज कर लिया, वाई इज इक्वल टू जीरो यानी नीचे वाली लाइन, वाई इज इक्वल टू ए यानी ऊपर वाली लाइन। अब यहां बात करें y इज इक्वल टू एक्स, सभी को पता है y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से निकल कर जाएगी, ये है हमारी y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स लाइन, और आखिर में है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए वाली जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ये है हमारे पास x इज इक्वल टू, ये ऊपर भी जाएगी, लेकिन अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट रीजन बन गया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है या नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो हमारा हिस्सा है, x इज इक्वल टू जीरो हमारा हिस्सा नहीं है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो यानी कि y एक्सिस, ये हमारे रीजन का हिस्सा नहीं है, y इज इक्वल टू जीरो यानी कि x एक्सिस हमारे रीजन का हिस्सा है, तो ये चारों लाइन से जो बाउंडेड एरिया बनेगा वो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, न के ऊपर वाला, ठीक है, तो ये गलती मत करना, x इज इक्वल टू जीरो तो हमारा हिस्सा ही नहीं है, हमारा हिस्सा क्या है, y इज इक्वल टू जीरो हमारे रीजन का हिस्सा है, तो y इज इक्वल टू जीरो तो इस वजह से हमारा नीचे वाला ट्राइंगल है। तो अब आपको ये जो लिमिट दी गई है इससे डायग्राम के थ्रू पता चल गया कि एक्चुअल हमारा रीजन कौन सा है, ठीक है, ये वाला जो लोअर ट्राइंगल है ये हमारा रीजन है। अब हमें क्या करना है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट हिंट आपको बता दी, y से लेकर x में आपको जाना है तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, x से लेकर y में जाना है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में x जो है, ठीक है, x जो है उसकी लिमिट हमें y के टर्म में दी गई है, अब हमें y से लेकर x में जाना है, ठीक है, अब हमें लिमिट के अंदर y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो मैंने पहले ही कहा था अगर आपको y से x में जाना है तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो पता चलेगा कि क्या चेंज हुआ ऑर्डर में और लिमिट में। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ले ली, अब वर्टिकल स्ट्रिप, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर y क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि y जीरो होगा, जीरो होगा y, और यहाँ पर y क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि यहाँ y इज इक्वल टू x है तो ये हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो x की लिमिट क्या बनेगी, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है x की लिमिट क्या बनेगी, यहां पर जीरो होगा, यहां पर तो x इज इक्वल टू ए है तो x की लिमिट बनेगी जीरो से लेकर ए तक, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, ये लिमिट को समझते हुए, ये लिमिट हमारे पास कहां से आई, क्वेश्चन के अंदर से आई, तो यहां से हम यहां गए, यहां के बाद हमने चार लाइन निकाली, उन चारों लाइनों को हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, ये डायग्राम के थ्रू हमने नई लिमिट हासिल कर ली है। नई लिमिट अब हमारी कौन सी है, y जो है वो 0 से लेकर x तक लाई करेगा और x जो है वो 0 से लेकर a तक लाई करेगा, और पुराने लिमिट कौन सी थी हमारे पास, y जो है वो 0 से लेकर a तक था और x जो है वो y से लेकर a तक। तो अब ये पुरानी लिमिट को हमने नई लिमिट में चेंज कर दिया है, इसी को तो कहते हैं चेंजिंग द लिमिट, ठीक है। अब लिमिट चेंज हो गई तो ऑर्डर भी चेंज हो ही जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम ये जो नई लिमिट लेकर आए हैं ये कैसे लेकर आए, आपको फिर से एक बार रिवीजन कर दूं। सबसे पहले हमने गिवन लिमिट को समझा, गिवन लिमिट के ऊपर से हमने चार लाइन निकाली, ठीक है, कौन सी चार लाइन, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू ए, इन चारों लाइनों को हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया और हमें एक्चुअल रीजन पता चला वो ये लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल रीजन पता चलने के बाद अब हमें y से लेकर x में जाना था, तो मैंने उसका शॉर्टकट बता ही दिया था कि y से लेकर x में जाना है तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अब हमने ली वर्टिकल स्ट्रिप तो हमें नई लिमिट मिली कौन सी, जीरो से लेकर एक्स तक वाई लाई करेगा और एक्स जो है वो जीरो से लेकर ए तक में लाई करेगा। इसी तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में एक्स दिया होता तो हमें एक्स से लेकर वाई में जाना पड़ता और हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ती। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा जिसको हमने यहाँ पर अप्लाई, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये लिमिट हासिल कर ली, अब हम ये वाली लिमिट यहाँ पर एग्जाम्पल में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमने नई लिमिट हासिल कर ली है तो पहले कांस्टेंट लिमिट नहीं, पहले वेरिएबल लिमिट इस्तेमाल करनी है। तो वेरिएबल कौन है, यहाँ पर y वाली, ठीक है, यानी कि y जो है वो 0 से लेकर x तक लाई करेगा तो सबसे पहले वही लिमिट आएगी 0 से लेकर x तक, और उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे x वाली यानी कि 0 से लेकर a तक। 0 से लेकर a वाली जो लिमिट है वो बाद में आएगी, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो एज इट इज ही रहेगा, यानी कि
एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने यहां पर सबसे पहले y वाली इवेल्युएट करनी है, तो यहां पर हो जाएगा dy और यहां पर हो जाएगा dx, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप कंपेयर करो, ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसकी लिमिट को कंपेयर करो और जो हमने लिमिट हासिल की है उसको कंपेयर करो। यहां जो ऑर्डर दिया गया था dx dy का ऑर्डर, और यहां पर जो ऑर्डर है वो dy by dx, इसी को तो कहते हैं चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी को तो कहते हैं चेंजिंग द लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज हो गई, ऑर्डर भी चेंज हो गया, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है, काफी आसान है। अब हमें अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करना है तो एक्स को कॉन्स्टेंट मानेंगे, एक्स को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा हमारा जीरो से लेकर ए तक, एक्स तो कॉन्स्टेंट ही है, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई एक्स होगा, ठीक है, y डिवाइड बाई x होगा 1 अपॉन a, a हमारा क्या है यहाँ पर x, ये तो आपको इंटीग्रेशन का रूल पता ही होना चाहिए। और यहाँ पर टोटल मिलाकर हमारे पास होगा 0 से लेकर x, और यहाँ पर होगा dx, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स में, tan इनवर्स जो है उसके अंदर हमें एक बार x रखना है और एक बार 0 रखना है, किसकी जगह, y की जगह, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y किया था। अब अगर हम एक बार x रखेंगे दूसरी बार 0 रखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, और tan इनवर्स x रखेंगे तो हो जाएगा x डिवाइड बाय x, ठीक है। अब यहां पर मैं डायरेक्टली लिमिट ही रख देता हूँ, 0 रखेंगे तो 0 का तो कोई फायदा ही नहीं है, y की जगह x रखेंगे तो ये x डिवाइड बाय x हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 सभी को पता है कि 45 होता है, यानी कि पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 4 होता है, तो इसे मैं यहां पर लिख देता हूँ पाई बाई फोर, ये कॉन्स्टेंट रहेगा और यहाँ पर रहेगा dx, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद वाला ये था, उसमें मैंने डायरेक्टली लिमिट रख दी, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई फोर, तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और हमें x की लिमिट इवेल्युएट करना बाकी है। तो x की लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई a हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर a, ठीक। इसे आप अच्छे से लिखना, ठीक है, स्टेप में, मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप तो अच्छे से ही लिखना क्योंकि आपको एग्जाम देनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, हमारा आंसर आ गया पाई बाई फोर है, ये तो काफ़ी सिंपल था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि हमने जो गिवन लिमिट्स है उसको कैसे अंडरस्टैंड किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने कैसे उसको फिगर में रिप्रेजेंट किया, फिगर में रिप्रेजेंट करने के बाद हमने नई लिमिट हासिल की और नई लिमिट को हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया, उसी को चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर। आई होप कि आपने ये एग्जांपल अच्छे से समझा होगा, इसके बाद जितने भी एग्जांपल हो आप आसानी से कर पाओगे। अगली वीडियो में देखेंगे अगला एग्जांपल। थैंक यू।